हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी गोलगप्पे पसंद है? किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज आपकी पुष्पा लेके आई है गोलगप्पे की रेसिपी। इतने फूले फूले और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और ख़ास करके बनाए हुए मैंने गेहूँ के आटे से। आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके गोलगप्पे एकदम इतने फूले फूले बन करके तैयार होंगे। और देखिए आप, आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं इसको बनाने। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सूजी की और साथ में गेहूं के आटे की। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली हुई है और एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, और सेम हमें उतना ही ज़रूरत पड़ेगी पानी की। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ कटोरी में सूजी ली हुई है, जो मैंने पूरी नहीं भरी हुई है, ये 1 कप के करीब है। और यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है और इसका मैंने इतने पानी में ये आटा का डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो अब आपको फ्रेंड्स क्या करना, इस आटे को आपको मसलना है। मसलने से क्या होगा कि क्योंकि हम इसमें सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस तरह से हमें सूजी को अच्छे से मसलने से आटा जो होगा हमारा अच्छा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और आटा को जब भी आप लगाएं तो थोड़ा सा टाइट ही लगा के तैयार करें, सॉफ्ट, तभी आपके ये जो गोलगप्पे होंगे फूले फूले बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है, एक बार इसको जरूर देखिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आप इसी तरह से बना करके तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने इतने आटे से 2 बड़ी साइज की लोइयां बना करके तैयार की हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक लोई को हम बेलेंगे और दूसरी वाली लोई को हम रख देंगे पॉलीथीन में पैक करके। इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा वाली लोई है वो हमारी पपड़ी नहीं जमेगी, क्योंकि यदि पपड़ी जम जाएगी तो आपको गोलगप्पे बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से पन्नी में रख लेना। और दूसरी लोई को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी लोई बनाई हुई है और इससे हमारी जो रोटी बनेगी काफ़ी बड़ी बन करके तैयार होगी। तो हमें इसको इतना बेल करके तैयार करना है कि जो बिल्कुल अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना इसको पतला बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो यदि आपकी यदि पूरी ये जो रोटी हमने बनाई है यदि मोटी रहेगी तो आपके जो गोलगप्पे होंगे वो एक साइड से उनकी परत मोटी हो जाएगी। तो देखिए, इतनी पतली हमको चाहिए। वैसे मैं बताऊं तो 1 इंच की है ये। और अब हमें ले लेना है, इस तरह से कोई ढक्कन ले लीजिए। तो मैंने ये हींग की डिबिया थी उसका ये ढक्कन ले लिया है। यदि कटर है आपके पास तो आप कटर की हेल्प से ले सकते हैं। तो इस तरह से एक रोटी से कम 30-35 गोलगप्पे बना करके फ्रेंड्स तैयार कर लेंगे। तो कितना आसान है इस तरह से बनाना। और आप जब मार्केट में लेने जाते हैं तो कम से कम 10 रुपये के हमें लगता है कि 5 या 6 गोलगप्पे आते होंगे, और यहाँ पर आप सिर्फ 1 कप आटा से ढेर सारे गोलगप्पे बना करके तैयार कर लेंगे। और बहुत ही कम, मतलब आपको मेहनत भी नहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छे मार्केट से भी अच्छे आप बता से बना करके घर पे तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें इसको काट लेना है और बस जो एक्स्ट्रा आटा है इनको हमें निकाल के अलग कर लेना है। तो ये जो आटा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम दोबारा से दूसरी लोई बना करके इसके इसी तरह से बता से बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये किनारे से कटा नहीं था तो इसको मैं फिर से काट लूँगी, और इस तरह से हमें सारे बतासों को गोलगप्पों को बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कई लोग क्या करते हैं, गोलगप्पे बनाते हैं तो उनके गोलगप्पे जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, या और वो लंबे समय तक चल भी नहीं पाते। पहले तो वो क्रिस्पी रहते हैं और इसके बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर सब डाउट मैं आपके साथ यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो देखिए आप इस तरह से, और यदि आपको लगे कि बतासा काटने के बाद भी ये हमारी जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ हैं मोटी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो अब हम ये हमने गोल प्रकार के बनाए हैं, और यदि आप अंडा आकार के बनाना चाहते हैं इसको थोड़ा सा बेल दीजिए और ये आपका शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सारे गोलगप्पों को हम इकट्ठा कर लेंगे, और मैं यहाँ पे आपको गिनती करके बता रही हूँ कि मैंने एक लोई से कितने गोलगप्पे बनाए। तो यहाँ पर मैंने गिनती की तो इनके 45 गोलगप्पे बन करके तैयार हुए हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना आसान। अब हमें क्या करना है, इनको जैसे हम बेल लेंगे तो इस तरह से मैंने देखिए इकट्ठा रख दिया है। अब हमें ले लेना है एक कॉटन का कोई कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, इसको हमें गीला कर लेना है। तो मैंने कपड़े को क्या किया, गीला कर लिया। इसके बाद हमें एक लाइन से, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको जिस लाइन से रखना है उसी लाइन से आपको इसको फ्राई भी करना है। तो मैं एक लाइन से इसको इस तरह से बिछाते जाऊंगी, और अब इसी तरह से मैं सारे गोलगप्पे बना करके तैयार कर लूँ। ध्यान रखना है हमें एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं रखना है, इसकी थोड़ी दूरी बना करके इस तरह से हमें इसको फैला देना है। तो इसी तरह से हमें सारे गोलगप्पे बना करके तैयार करना है। तो अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इनको फैलाने के बाद हमें एक और सीक्रेट काम करना है, जिससे आपके जो गोलगप्पे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बन करके तैयार
तैयार होंगे। आज तक आपको ऐसा सीक्रेट किसी ने नहीं बताया होगा, पर मैं आज जो आप लोगों के साथ सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है, तो एक बार इसको आप ज़रूर देखें। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ये गोलगप्पे फैला दिए हैं तो हमें ले लेना है यहाँ पर पानी। तो पानी को क्या करना है, हमें कपड़े के ऊपर डाल देना, क्योंकि हमने कपड़े को गीला किया तो है पर वो इतना ज़्यादा गीला नहीं है कि हमारे गोलगप्पों को वो फुला सके। हमें इन गोलगप्पों को नीचे से फुलाना है। तो अब हमने देखिए पानी डाल दिया है और फिर दूसरे भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो लोई बनाई हुई थी। तो सेम उसी तरह से हम इसको पतला बेलेंगे और इसी ढक्कन की हेल्प से हम बतासों को काट करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये कट जाएंगे और सेम उसी तरह से हम इसको भी कपड़े के ऊपर फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इनको तुरंत तलना नहीं है, इस तरह से आप कपड़ों के ऊपर बतासों को फैलाते जाइए और कुछ टाइम के लिए इनको रेस्ट करने दीजिए। और जिस लाइन से हमने इनको बिछाए हैं उसी लाइन से हम इनको फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे। तो हम देखिए इस तरह से, देखिए मैं इसको लाइन से फैलाते जा रही हूँ और जैसे ही पूरे कपड़े में ये हमारे बतासे फैल जाएंगे, इसके बाद सेम हम उसी तरह से यहाँ पर कपड़े में पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपको ऊपर से पानी, ऊपर से कपड़े से ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नीचे साइड से जो हमारे बतासे होंगे वो बहुत ही अच्छे से, जो हमारे बतासे का रवा है, जो हमने आटे में रवा इसमें इस्तेमाल किया है, वो अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए जो मैंने पहला बतासा रखा हुआ था इसी को हमें उठाना है, इसी को हमें सबसे पहले फ्राई करना है। तो फ्राई करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे साइड से हमें डालना है, जिस साइड से ये गीला है आप देख पा रहे हैं कि इसका अच्छा सा रवा फूल गया है। अब तो हम इसको करेंगे फ्राई। तो मैंने कढ़ाई पे यहाँ पर ऑयल को डाल दिया, सरसों का ऑयल लिया हुआ है, और जिस साइड से गीला है उसी साइड से हमें तेल में इसको डालना है और बस तुरंत ही इसको हमें झारे की हेल्प से इस तरह से इसको दबाना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जो बतासे होंगे बहुत ही अच्छे फूल करके तैयार होंगे। तो अभी तेल ये अच्छे से गर्म नहीं था, इसके वजह से ये आपका जो बतासा है वो अच्छे से फूला नहीं है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक बार तेल को गर्म कर लीजिए, इसके बाद आप चाहें तो इसको मीडियम आंच में बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मैं देखिए दूसरा गोलगप्पा डाल करके चेक कर लिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब देखिए झारे की हेल्प से हमें इसको हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज से नहीं दबाना, बस हल्के हाथ से इसको हम दबाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके जो बतासे होंगे वो एकदम ऐसे फूल करके तैयार होंगे जैसे उसमें किसी ने हवा भर दी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फूल करके तैयार हुए हैं। देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप बतासों को डालें और इस तरह से झारे की हेल्प से इसको दबाना है, जब तक आप दबाएंगे नहीं तब तक आपका जो गोलगप्पा होगा वो अच्छे से फूलेगा नहीं। और हाँ, दबाते समय ध्यान रखना, ज़्यादा तेज से नहीं दबाना, बस हल्के हाथ से ही इसको दबाना है। तो अब ये इस तरह से हम सारे बतासे अपने बना करके तैयार कर लेंगे और दबाने के बाद हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे और तब तक इनको सेकेंगे जब तक ये हमारे अच्छे से इसमें क्रिस्पी हो नहीं जाता। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं फूल गया है, तुरंत ही बतासों को निकाल लेते हैं, इससे उनके जो गोलगप्पे होते हैं वो फ्रेंड्स क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये फूले फूले बन रहे हैं और एक भी बतासा हमारा खराब नहीं बनेगा और एक भी ऐसा बतासा नहीं रहेगा जो फूलेगा नहीं। सारे बतासों को हम देखिए कितने अच्छे से फुला रहे हैं और बस थोड़ा सा आप हल्के से इसको झरिया से इस तरह से दबाएंगे और ये देखिए अपने आप से ही इतना फूल करके बाहर आता है कि मैं, आप देख ही पा रहे हैं कि मैं इसको पलट भी पा रही हूँ तो ये पलट नहीं रहा है। तो इस तरह से हमें इसको फुलाते जाना है और बस हमें अच्छे से इनको सेकते जाना। अब गैस को आप बिल्कुल मीडियम भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको धीरे धीरे आंच में सेकने दीजिए और बस जैसे ही इसमें अच्छे से कलर आ जाए तो इनको निकालते जाइए। और हो सकता है फ्रेंड्स आप एक बार ये कोशिश मत कीजिए कि एक बार में ढेर सारे गोलगप्पे बनाएँ, सिर्फ आपको एक एक ही फुलाना है। एक एक यदि फुलाएँगे तो आपके गोलगप्पे सारे बहुत ही अच्छे फूल करके तैयार होंगे और यदि आप इकट्ठे डाल देंगे तो हो सकता है कि आपके ये बतासे इस तरह से ना फूल करके तैयार हों। तो इस चीज़ का भी आपको बनाते समय फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो देखिए मैं एक ही डालती जा रही हूँ और जैसे ये फूलते जाएंगे तो इनको हम किनारे करते जाएंगे और उलटते पुलटते हुए जब तक इनमें अच्छा सा क्रिस्पी पर नहीं आ जाता है तब तक इनको हम सेकते रहेंगे। बहुत जल्दी सेक जाता है, टाइम भी नहीं लगता है और आपको भी गैस भी बिल्कुल तेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मीडियम रखिए और बस आप इसी तरह से सारे गोलगप्पों को बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ढेर सारे, एक कप गेहूँ के आटे से मैंने एक दलिया पूरी भर ली जिससे ये मैंने कम से कम 100 गोलगप्पे बना करके तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार बना करके ज़रूर देखिए और अब मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे गोलगप्पे बन करके तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो पुष्पा की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आ जाएंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप गोलगप्पों के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।